नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। यूपी के बलिया में राष्ट्र संघ विश्व शांति मिशन के तत्वाधान में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। 2000 जोड़ों का विशाल ऐतिहासिक सामूहिक विवाह किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 2000 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया तो दूसरी ओर मौलाना ने कुरान की आयतों के जरिए निकाह पढ़वाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य महिला आयोग के सदस्य निर्मल द्विवेदी समेत तमाम समाज सेवी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि निर्मला देवी ने सभी वर वधु को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही और शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाया। जलालपुर स्थित मैदान में विशाल ऐतिहासिक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सर्वधर्म सामूहिक विवाह के बारे में जानकारी देते हुए मिशन निदेशक सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष निर्मला द्विवेदी, पुत्री विधायक सनातन पांडे व पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान, भीम राजभर की उपस्थिति में लगभग 2000 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को करारा जवाब दे दिया। वहीं निदेशक श्री गुप्ता ने बताया कि मिशन निर्धन और दबे कुचले लोगों को उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। संस्था द्वारा आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह को सफल बनाने में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लोगों का जो सहयोग मिला है उसके लिए संस्थान की हमेशा ऋणी रहेगी। उन्होंने तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने सामूहिक विवाह यज्ञ को सफल बनाने में हर तरह से सहयोग किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन नहीं हो जाता तब तक उन्हें कोई भी सहयोग राशि या पुरस्कार संस्था द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस धर्म सर्वधर्म सामूहिक विवाह में प्रत्येक धर्म जात के युवक युवतियों को एक ही पंडाल में दंपतियों सूत्र में बांधने का काम किया गया है। उन्होंने सभी जोड़ों को खुशहाल और उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सर्व धर्म सामूहिक विवाह के लिए लगभग 5000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया, जिसमें लगभग 2000 लोगों ने सर्वधर्म सामूहिक विवाह में शरीक होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस महायज्ञ में आम आदमी आप पार्टी के अजय कुमार मुन्ना, डॉक्टर प्रदीप कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, आनंद प्रकाश सिंह, निभा पांडे, जवाहर पासवान, सुबेदार कुमार, अनिल तिवारी, विक्रम अम्बेडकर भारत की, अनूप श्रीवास्तव, ओम प्रकाश राय, हैबतपुर आदि शामिल है। इस अवसर पर डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, संजय सिंह कोतवाल का सहयोग सराहनीय रहा। न्यूज नाइन भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। खास रहा ये सामूहिक विवाह आज का? आज ये प्रभु राम की कृपा है कि मुझे इतने अच्छे अवसर के लिए बुलाया गया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस सामूहिक वैवाहिक समारोह में बुलाया गया। इतनी कन्याओं का विवाह हुआ, सब सुखी रहें, सबका दाम्पत्य जीवन सुखी हो, सबके बाल बच्चे हों, सबका भाग्य बना रहे, सबका स्वागत बना रहे। मेरी तरफ से इन सभी जोड़ों को यही आशीर्वाद है। मैं भगवान से, राम से ही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु राम से, कि ये जितने भी जोड़े यहाँ बैठे हैं सभी सुखी हो, सब भारत माता की सेवा करें और नए भारत का नव निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत। मैम, ये कितने जोड़ों की शादी आप आज हो रही है? 2100 जोड़ों की शादी आज हो रही है। और ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है, ये अचानक कैसे आपको दिमाग में आया कि मतलब ऐसे सुयोजना थी पहले से सरकार सामूहिक विवाह करा रही थी, ये अलग से कराने की योजना कैसे दिमाग में आई? क्या और भी ये तो आयोजक महोदय जाने, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे आमंत्रित किया गया, मैं आई, ये मेरा सौभाग्य है। आप सभी बलिया वालों की मैं दिल से आभारी हूँ, आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। मैं कृतज्ञता जाहिर करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतना बड़े सौभाग्य में शामिल होने का मौका मिला। इन शादीशुदा जोड़ों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि ये भारत माता की सेवा करें, प्रभु राम का आशीर्वाद इनके साथ है। राम मंदिर बनने के बाद इनका विवाह हुआ है, निश्चित ही ये बहुत ही सौभाग्यशाली है कि ये राम मंदिर का निर्माण अपनी आंखों से देखे हैं। इन्होंने देखा है कैसे 550 वर्षों के संघर्ष के बाद अपने ही देश में हम राम मंदिर, प्रभु राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करवाए किए और सब प्रभु राम की कृपा से ही हो रहा है। हमारा तो यही मानना है कि ये सब ईश्वर की कृपा है, हम सब ईश्वर की कृपा ऐसे ही बनती रहे
और ऐसे हम सब अच्छा कार्य करते रहें, देश और समाज की सेवा करते रहें, कन्याओं का विवाह कराते रहें और जितने भी सामाजिक अच्छे कार्य हम करते रहें ताकि सच में हम एक रामराज्य की स्थापना कर सकें और भारत में सभी सुखी हों, सबका कल्याण हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो और सब सौभाग्यशाली हो, सभी राज करें और अपने भारत माता की सेवा करें। जो सुरेंद्र जी मुख्य आयोजक है जैसा तुमने बताया, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश है कि भगवान उनको ऐसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, वो ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहे। निश्चित ही भगवान की उनके ऊपर स्पेशल कृपा है, ईश्वर ने उन्हें इतना अच्छा ज्ञान दिया है कि वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक कन्या का विवाह अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है, वो तो 2100 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं तो 2100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, निश्चित ही वो परम भाग्यशाली है। संस्थापक निदेशक राजतंत्र शांति मिशन, किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पे? ये सामूहिक विवाह किया जा रहे हैं चंदा के माध्यम से। कितने लोगों की? सुरेंद्र जी, अभी यहाँ जो सामूहिक विवाह उत्सव का आयोजन आपने किया, इसमें कितने जोड़ों की शादी संपन्न हुई है? लगभग गिनती तो नहीं, 2000 से कम नहीं होंगे। 2000 है। इसमें अन्य धर्म के लोग कितने हैं? मुस्लिम 10 लोग हैं। उनका निकाह कैसे कराएंगे? उनकी धर्म कौन सा किया जाए अलग से, बाकी लोगों का शारीरिक तौर से। हाँ। आपके इसमें कितना है, आपको कहाँ से ऐसा प्रेरणा मिला कि आपने इतने लंबे पैमाने पर शादी का आयोजन किया? बात यह, पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम लोगों ने किया था, कई बार आयोजन किया परंतु विफल रहे। कई लोगों ने विभाग के पहले तो 4 बार मुख्यमंत्री द्वारा जो सामूहिक विवाह होता है उनके द्वारा हमने प्रयास किया, परंतु विभागों द्वारा एक बार इच्छा थी किसी तरह किया जाए, बाकी समाज सेवा के विशेष महत्व नहीं रहा यहाँ पर, बहुत सारे तमाम आपत्तियां करने के लिए, और हमको नहीं लग रहा था इस कार्यक्रम को होगा, हमको उम्मीद हम टूट चुकी थी होगा, इसलिए कितनी व्यवधान हुए इस कार्यक्रम। आज भी जो जोड़े आए हैं, इन जोड़ों में भी कुछ लोग ऐसे विफल करने के लिए आए थे, किसी कार्यक्रम को किया जाए, बदलाव किया जाए ताकि हमको और जो हम जो किसी तरह हमारे कार्यक्रम को दिक्कत किया जाए। हमारे आयोजन पैटरिंग कॉलेज तिखमपुर में किया गया था, इसलिए आप लोग भी हमारे साथी हैं जानते हैं इसकी जोरों से किया गया। प्रशासन जब वहाँ पहुंचे टेंट गया तो उन्होंने कहा नहीं होगा, तो हम तो लिखित तौर पर दिए थे आपको प्लेग करना चाहिए, नहीं हमारे यहाँ होगा। 2 दिन बाकी रहा, शुक्र मनाइए शासन का और प्रशासन का, अगर ये साथ नहीं होते तो ये कार्यक्रम नहीं होता और हमें कोई राजनीति नहीं करना है, ना हम चुनाव लड़ना है। अच्छा, कार्यक्रम की सफलता के लिए किसका किसका सहयोग रहा है? यहाँ कई लोग सहयोग, मुन्ना राय भी हैं, आनंद प्रकाश सिंह हैं, जयराम सिंह हैं, अजीत कुमार धोचिया पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, समीम खान जी के तमाम लोग सहयोग। 2000 जोड़ों की आपने शादी संपन्न कराई है। हाँ। इसमें इतना खर्च हुआ है, ये कहाँ से अरेंज किए? ये सब बड़े बड़े लोगों से चंदा लिया गया, सबसे सहयोग लिया गया और उनके माध्यम से छोट मोट किसी तरह किया गया। हम जो चाहते ठीक यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए News9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार। News9 भारत चैनल पे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सारी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।